संत पुरुष ने सोने का ढंग देख लिया तो फिर आपको पता चल गया कि आपका सोना कैसा है। दूसरी जरूरत यह है कि आप खरीदारी के लिए उसने कहा भाई खालिस सोना चाहिए। उसने अपने पास से सोना निकाल किया था। जब आपने मशकूक नजरों से देखा तो उसने कसौटी निकाली। फिर ये कसौटी उसने अपने इल्म के लिए नहीं निकाली बल्कि आपको दिखलाने के लिए जो उसका सोना कैसा है। बस खालिस का मकसद अपने बंदों के इम्तिहान से इन दोनों में से एक होता है। हम ऐसे नाकिस नुफूस में उसके इम्तिहान का मकसद पहला है कि हमें हमारे नफ्स का एहसास पैदा कराया जाए। और याद रखिए कि सही मायने में एहसास नफ्स हो जाना सभी के कमाल तक है। हम बेटे कौन है और हमें सिखाया ही गया है तुम कारनामा करबला को याद करके कलैया ले लेना पुन्ना माया को मैंने पूजा को उसने अपनी मसाह करनी तो दर्जीन कामयाबी के तरीकों से। लेकिन जब छोटे छोटे मुश्किल दरपेट होते हैं और हमारे कदम में सब लाइन में डिंगलिश पैदा होती है जब जरा जरा से मफादात की खातिर हम हक पर रोटी के लिए तैयार हो जाते हैं तब पता चलता है कि हम अभी कितने पानी में हैं। अभी नफ के किस मंजिल में हैं। ये तो नाकिस नफूस में इम्तिहान का मकसद है और कामिल नफूस में उनके कमाल से दुनिया को मुतारफ बनाना। अगर हर जन में आसानी से पैगंबर इस्लाम को पता हो जाए तो जितने राजियान इस्लाम है सब बराबर के बता दे। लिहाजा जरूरत है कि कभी जंग बिगड़े जरूरत है कि कभी सख्तियां दरपेश हों। जरूरत है कि कभी ऐसे मुश्किलात पैदा हों कि मुसलमानों को उन मुश्किलात के मुकाबले में साबित कदम रहना मुश्किल हो। मैं कहता हूं कि नाइंसाफी नहीं करना चाहिए जमात के साथ। जमात में बहुत से लोग होंगे जिन्होंने नुमाया भी अंजाम दिए होंगे बाद दवाइयां सर भी की होंगी मगर क्या किया जाए कि वक्त ही ऐसा सख्त हो गया। क्या किया जाए कि सूरत हाल ही ऐसी नाजुक दरपेश हो गई। एक तरफ झुके हुए माले गनीमत की तरह और पुष्प पर से तलवारें सोने लगी तो ऐसे वक्त में जमा रहना कोई आसान बात है बहुत मुश्किल है। अगर ये सूरत हाल पेश ना आती तो फिर हर एक का जाती जो जौहर था वो छुपा रहता। लेकिन जब कठिन मंजिल आ गई तो अब मालूम होगा कि हकीकी मायने में मुजाहिद कौन है। कोई शक्ति का दर्जा ऐसा आया
क्या कदम मुझे 50 वर्ष तैयार रहे तो 50 से 50 का इतिहास तो हो गया, मगर इन 50 में कौन मुमताज दर्जा रखते हैं वो अभी पर्दे में रहा, तो जरूरत है कि शिद्दत वक्त और लगे। अकबर की जगह 50 में थे, 25 के कदम उठ गए, तो अब 75 से 25 का इंतजार तो हो गया, मगर इन 25 में कौन इम्तियाजी दर्जा रखता है वो अब भी मस्ती है। अब बचावत में वो जाय करना नहीं है, दरमियान के अदर बहुत हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी मंजिल भी आ जाए कि जहां सिर्फ 2 करने रह जाए और उन्हें भी इंदल्ला कोई एक इम्तियाजी दर्जा रखता हो, तो जरूरत है कि शिद्दत वक्त ऐसी हो कि बस एक रह जाए, और जब वो एक रह जाएगा तब मलक कलमा कहेगा कि ला पता है।
भी नहीं पर उसने किसानी की। ये दूसरा जुमला भी बना लिया, उसी कल में किताब था और वहां तो खैर एक इंसान ने कामिल का नाम उसने रखा था किल्ला की मंजिल में, और यहाँ उसने एक बेजान की अरे चलवान जमादात में दाखिल है, जैसे पत्थर जमादात है वैसे ही तलवार है जमादात में दाखिल, और हमको लाशमा कह रहा है ये कोई तलवार नहीं, उसी में से एक पर्चा कृष्णा कर रहा है कि लाशमा जिंदा बन सका, कोई तलवार नहीं सिवा बन सका के। मैं कहता हूँ ये सब यामत की बात है, ये जमादात में से तुमने मुंतखब किया कलमा पढ़ने को, मालूम था कि जो यक्ता हो उससे मंसूब हो काम बताए है, उसमें दो बातें थी, एक फसा करे खूंगेजी यानी खूंगेजी से उतनी नफरत जिसको हो वो तलवार की तारीफ करे, शिकर की तारीफ करता है उसका काम बचाना है, लेकिन तलवार उसका तो काम ही है कौन बढ़ाना, क्योंकि हमारे कारणों को देख देता है कि तलवार की तारीफ करे, और आज में बाजा का रहने वाला नकलू तू रहने नकलू चिमटा वो और तलवार की तारीफ, ये तलवार की तारीफ क्यों करने लगे, वो कहेगा नहीं नहीं तलवार जब पता कार के हाथ में हो तो मुझे नहीं होती है, जब अंबिया उमर सलीम ने बन्नत से फरमाया
हो गए और इसलिए वे शक्ति उम्र अब गली गुमन होने की दावेदार है कि हम तमाम अपराणे आजम तब से बढ़कर के महठ है और गली गुमन इन उम्मतों में तब से बढ़कर तो जब ये उम्मत तमाम उम्र में सबसे अफजल होने की दावेदार है तो इसको आसानियों का मुतवक नहीं होने चाहिए। इसे आराम का दर्जा नहीं होना चाहिए। इसको अपने अफजलियत होने के तकाजे से इसी का मुतवक रहना चाहिए। हमारे सामने जितने मुश्किल आएंगे उतने किसी जमात के सामने मुश्किल नहीं आएंगे और उसी तनासब से फिर इसे अपने किरदार का भी जायजा लेना होगा कि हमारा किरदार उसी नुक्ते पर हो जो हमारे अब्दुल उमाम होने के साथ साजगार। आसान तरीका ये होता है जवाब का और बहुत से मुसलमानों का ये तरीका है कि जब अपनी कमजोरियां दिखाई जाए कि तुमने ये बुराई है तुमने ये बुराई है तो फौरन जरूर में दूसरी कौनों से बातें देख करने लगेंगे ये कोई हमें ये बुराई छोड़ी है दूसरी कौनों में भी ये बुराइयां मौजूद है। ये बहुत आसान गोया जवाब हुआ करता है लेकिन मैं कहता हूं कि ये जवाब अब जुलम उमर के अपराध को देर नहीं देता। इसको फिर भाई कहा करता हूं कि मुझे बहुत जल्दी टाइम देगी याद आता हूं तो जरूर जैसे कि दसगाह में क्लास मुख्तलिफ होते हैं तो जितना क्लास उनका होगा उतनी ही निसाब इम्तिहान ऊंचा होगा और उतने ही फिर पत्रों की जांच का मैार सख्तर होगा। तो अगर छोटे दर्जे का तालिब इल्म कोई गलती करे तो बड़े दर्जे के तालिब इल्म को हंसने का हक नहीं है। लेकिन अगर बड़े दर्जे का तालिब इल्म कोई गलती करे तो हर बच्चे को हंसने का हक इसलिए ऊंचा है तालीमी है। अब क्यों समझिए कि खालिक की तरफ से एक दरगाह कायम की बेटर थी। इस दरगाह के मदरसे अव्वल हजरत आदम यानी मैं यूं कहता हूं कि वो आए नौ इंसान की रस में अब तक पानी अदा करें बिस्मिल्लाह कराने और इब्तदाई तालीम दिलाने तो अब उस उम्मत पर जो उनके दर्जे में थी सिर्फ जिम्मेदारी उतनी तालीम को पाए तकमील तक अपने अमल से दिखाना है जितनी तालीम उनको हजरत आदम से मिली। अब जना मेयार तालीम ऊंचा हुआ तो हजरत नूह माशा अल्लाह उलमा की रामी है
और चलिए धरती के साहिबा ने मोतारी में अपना जरा वो सभी मौजूद है जो बात की अपने अपने तो बैठे मजाले हमारे आवाम को भी मालूम हो गई है कि एक नुम्मत का दर्जा है और एक रिसालत का दर्जा है और रिसालत में भी रुजू लड़न मुर्तलीन का दर्जा है तो हजरत आदम बस नबी है रिसालत कभी हजरत आदम से शुरू नहीं हुई है रसूल हजरत नूह रिसालत यहां से शुरू हुई है वो आलम जाहिर में अब्दुल अंबिया हैं और हजरत नूह तरकीब जाहिर में अब्दुल मुर्सलीन हैं और रसूल ही नहीं है बल्कि उलूल अज़्म रसूल है हजरत आदम भी जाहिर है कुछ तालीमात लेकर आए थे मगर वो ऐसे इब्तदाई तालीमात थे कि उनका नाम शरीयत नहीं हुआ है शरीयत का आवाज भी हजरत से हुआ तो अब ये जब बुजुर्ग मर्तबा नूह दर्जा रिसालत में रखते हैं हजरत नूह तो अब इनकी तालीम जो हासिल कर रहे हैं उनका मेयार तालीम ऊंचा हुआ अब यही समझ लीजिए कि हर पैगंबर में कुछ मोमिन होते थे कुछ काफिर और ये सुन्नत कायनात की या बटर की किस्मत है कुरान के पूछे कि दिया बटर मोमिनों मोमिन की जमात अकलियत में रही और गैर साहिबान ईमान की जमात अक्सरियत में रही हालांकि कितनी तवील तबलीग यानी 950 बरस ये तो कुरान मजीद की बताई मुद्दत तबलीग है पूरी उम्र कितनी होती तो उसमें ईमान लाने वाले बस तो वैसे जो अजाब से बचा लिया और यहाँ तक के घर के अपराध भी सब मुतासर नहीं हुए और याद रखिए कि ईमान लाने वाले बहुत से होंगे मगर कुरान मजीद ने उनके पते नहीं दिए कि हदीसों में तो कौन ईमान लाया लेकिन जिसने ईमान नहीं इख्तियार किया उसको कुरान ऐसी अबदी किताब में उसको याद रखा गया तो मालूम ये हुआ कि वो ईमान लाने वाले जो साथ थे उनके नाम नहीं बताए गए लेकिन खिलाफ तौर को इतने करीबी रिश्ते के बावजूद जिसने के ईमान इख्तियार नहीं किया उसका जिक्र आखिर क्यों किया गया ये सिर्फ इसलिए कि रिश्तों से धोखा न करें ये कह रहे हैं सभी रिश्ते का जिक्र कर दिया और वो हमेशा ये जाहिर है कि नसबी रिश्तेदार है और गिरी सभी रिश्तेदार है तो ये नसबी रिश्तेदार का जिक्र कर दिया ताकि कभी औलाद रसूल होने के जाने के साथ अमन के बाद न हो और यही कहा गया क्यों तुम्हारे घर से नहीं है इन नहु अमलुन रहरो काले तो बिला वास्ता जो बेटा है
बगैर दमयान के और किसी पुरुष के आए हुए वो अमले साले न होने की बिना पर ऐसे खारिज हो जाता है। तो जो तबीर सजीर के लिहाज का औलाद हो वो ये समझे कि हम तो औलाद रसूल है, लिहाजा हम चाहे जैसे हो तो चाहे जैसे नहीं औलाद रसूल होने के साथ अगर उनके अहल में भी दाखिल होना है और अहल में जब दाखिल होगा तभी अजाम से बचता है, वरना तूफान अजाम झेल लेता है। ये नहीं देखता कि रिश्ता क्या है, रिश्ता जिक्र करना जरूरी समझा गया। और फिर किसी वजह से किसी गुमराही से बचाने के लिए सभी रिश्तेदार का जिक्र करना जरूरी समझा गया कि ठीक तो समझे रसूल, मगर फिर भी देखो वो विशाल लंबे नासियत की विशाल की लंब पर हमने गरब अल्लाह मसलक अल्लाह ने विशाल इनकी पेश की। तो जनाब ये मिसाली नासियत का नमूना बन गई बावजूद रोजे रसूल होने के। तुम्हारी मोटा है कि हर जमात के लिए कुछ रोशनी का सामान है लाफियात के लिए बया दीजिए। तो हुजूर अब जो काफिर हुए, अब मैं तो ताले इल्मों वाली बात कर रहा था, बोला तो नहीं, तो जो काफिर हुए वो गोया दरगाह से नाम कटवा के निकल गए। अब उनका मैयार तालीमी नीचा रह गया। अब वो बेचारे बस हजरत आदम से लेके अब तक के जितने अंबिया थे उनके तालीमा जितने थे उतने ही की जिम्मेदारी उन पर रह गई। और जो हजरत नूह के पर ईमान लाए इसके मानी यह है कि इस बुलंदर मुअल्लिम के दर्जे में भी हासिल हुए दाखिल हुए, तो अब उनकी जिम्मेदारी में इजाफा हो गया कि वो उस तालीम को भी याद रखे, यानी कि आगे दोस्त जाए और पिछला मिलते जाए। वो तालिबे किस मंजिल तक पहुंचेगा? तो नहीं, वो तालीम भी याद रखे जो आदम से तक मिली थी और हम मजीद ये तालीम जो हजरत नूह से मिली इसे भी याद रखती है। और हम इसके बाद हजरत नूह के बाद दरमियान की मंजिलें अगले चार सौ बीस हजार अंबिया के दरमियान भी नहीं मालूम, तो मैं सबको कहा पेश करूंगा मगर जो नुमाया मालूम है कि हजरत नूह के बाद अब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, उनका दर्जा हजरत नूह से बाजाकर, और इसको मैं वादा कर चुका हूँ कि ये दिन कल इंशाल्लाह बयान होगा तो हजरत नूह करी हजरत इब्राहिम का दर्जा ऊंचा। तो आज जिन्होंने फिर हजरत इब्राहिम की मंजिल में आकर कुफर इख्तियार किया नहीं माना, फिर उनका मैयार तालीमी नीचा रह गया। अब जिन्होंने हजरत इब्राहिम की भी रिसालत को तस्लीम किया इसके मानी यह है कि आपके दर्जे तालीमी में भी वो दाखिल हुए, तो अब उनकी जिम्मेदारी उनसे ज्यादा हो गई। अब जनाब हजरत इब्राहिम से बालातर अगर कोई मौलिम आ गया और मैं कहूं कि आप तमाम सिलसिले अंबिया में दर्जे तालीमी कितना ऊंचा हुआ है, 1,24,000 अंबिया है, यानी हजरत आदम के साथ जो एक का हिस्सा बना था अब उस पर एक कम ले दो कम 1,24,000 सिफर हो गए,
इतना मेरे काली से ऊंचा हुआ। अब हजरत खातिम उल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आके जिन्होंने आपकी रिसालत को नहीं माना, फिर चाहे वो यहूद हो, चाहे नकारा हो, चाहे दुनिया की कोई और कौम हो, उनका मेयार तालीमी नीचे रह गया। और जिन्होंने आपका और उनका निशाब तालीम का लेकर यानी आदम से लेके इस वक्त जितने सही के उतने जितनी किताबें उतनी उन सब में जो कुछ सरमाए थे अब सबकी जमानत दार ये कौन है जिसका नाम है मुस्लिम। तो अब इस दर्जे इंतियाजी पर आके मेरे तालीम में इसको हक है कि ये दूसरों की मिसाइलें पेश करे। इसके माननी है कि मुसलमान को किसी कौम के हाल का जायजा लेने का हक नहीं, मुसलमान को किसी दूसरे कौम के हाल पर नुकता चीनी का हक नहीं, और मुसलमान के कर्जे अमल पर नुकता चीनी का दुनिया की हर कौम को सब जगह जहाँ तक क्रिकेट हमारे दिल में के बहुत से अपराध हुई तो पूरी उम्मत मुस्लिमा को कहा जा रहा है। तो खैर हमने उसमें दरमियान में सही वगैरह के नाम नहीं है, पूरी उम्मत की बात है। मगर आप उम्मत मुस्लिमा अब वो जो हजरत पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई यह तबका है कि उसने कह दिया कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस तरह रिसालत खत्म हो गई उसी तरह खालिक की तरफ का निजाम रहनुमाई भी खत्म हो गया, यानी अब आगे उधर का रहनुमा कोई नहीं। और उसके साथ साथ आदमी कौन से हो इसमें भी खत्म हो गया, हजरत भी खत्म, रिसालत भी खत्म, रहनुमाई भी खत्म, एक भी खत्म। लिहाजा आप बार न उधर का रहनुमा, न आपके बाद उधर का कोई मुअल्लिम, न आपके बाद कोई मासूम हस्ती जिसका नमूना हमारे लिए बेदाग मिसाल बन सके। तो अब इस जमात के लिए निशाबे तालीम का उतना रह गया जितना कई इस बरस में इतने सुनू तो ये तारीख इस्लाम की बदी ये दिक्कत है जैसे दो अब का मजमू आता है कि मजमू है उम्र रिसालत तिरसठ बरस उसमें 40 बरस पहले बेसर जबकि अलानिया किसी दावत तकलीफ का सवाल ही नहीं था और सिर्फ ये जिनमें के आप अल्लाह ने रिसालत फरमा चुके जो बेसत के बाद की मंदिर है। अब इस 23 बरस में भी
तेरह बरस वो दौर है जिसमें जिसमें वो आए तो पत्थर खा रहे हैं। तेरह बरस का वो दौर है जिसमें बड़ा हिस्सा केवल 40 में गुजरा है। चार बरस तो मामूली मुद्दत होती है, तो केवल 40 में कौन कौन सी जिसके सामने में जबरदस्त रहे काली मार खुलता वो सब एक खाने में गोया बंद थे। तो अब मजमूए उम्र काली मार पर अंदर जो भी तौर पर है वो सिर्फ लक्ष्य लेके रखा आगे आम लोगों को मौका नहीं था आपसे पैर हासिल करने। उनकी उम्र हजार भी इतनी है उनके लिए। अरे उस वक्त जो पैर कर पा रहे थे वो वही थे कि जो गोद के पाले हैं, जो किसी गम में जुदा नहीं हुए। सब जो घर नाला करने पैगंबर के पास है वो तो हर हाल इंसान हासिल करते हैं। लेकिन आम दुनिया वो तो उसी वक्त हासिल कर सकी जब के आप गोया बरकरे के दार है। इतिहारे का हाना नहीं था, मगर दुनिया को उसे शाही इसम दी है। इसके बाद यह है कि दुनिया ने शुरू से तसव्वुर शाहाना निजाम का किया हिदायत के साथ, लिहाजा वो गोशे नशीन मेहमानों को चौका समझ सकती है। बहरहाल मुझे तो इनका भार हल्का करना है कि अब इन पर जिम्मेदारी विचारों पर सिर्फ उतने दौर के तालीमात की है जितने दौर में इनके ख्याल में उधर का एक रहनुमा था मौजूद, इनके ख्याल में एक मासूम रहनुमा वो जितने दर्जे तक किस्मत के आए हों। बहरहाल एक मासूम रहनुमा वो इतनी मुद्दत तक उसके तालीमात मिलते रहे, अब इसके आगे उनका जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि इसके आगे उन्हें दरसगाह के वजूद का तसव्वुर ही नहीं है।
तो हिदायत बचाता है गायर रूबीयत से, और इसीलिए बचर से पहले हादी ये बचर आया, यानी जो अभी बचर है उसी को हादी बना दिया है। इसके मानी है कि पहले ऐसी कौन तक सबूर ही नहीं रखता जिसका हादी ना हो। दूसरी लफ्जों में अर्ज करूं माशाल्लाह कायदा ने पढ़ना है कि रहनुमा का वजूद बगैर उम्मत हो सकता है, उम्मत का वजूद बगैर और ये जिम्मेदारी उसकी है जिसने नबी भेजा था,
बोलते वो भी तो हमने पंचायत के लिए मुकर्रर किया था। अगर हम अपनी हिदायत का काम खुद कर सकते तो आदम से लेके इस वक्त तक उधर के अंबिया क्यों आते रहे। हर दौर में अल्हम्दुलिल्लाह हम जमा होकर पूरा करके अपना सरबराह मुकर्रर कर लेते। ये उधर से होने की क्या जरूरत थी, और तो अब उधर से कोई नहीं रहा तो उन्होंने हमने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। जब अब तक सरबरा रहा तो अब भी सरबरा है, चाहे नाम उसका कोई दूसरा। सरकार एक होते हैं और नाम अलग अलग होते हैं। आम दबाव में मुंशी जज और जस्टिस और नाम सबके अलग अलग हो, काम सबका एक इंसाफ करना। क्या किसी का नाम इनमें से काम है ना इंसाफी करना, वो चाहे करे ना इंसाफी और बात। मगर उनके मंसब का तकाजा ना इंसाफी करना नहीं है, काम है सबका इंसाफ करना। लेकिन इसके बावजूद अगर जज को मुंसिफ कह दीजिए तो वो तौहीन का दावा कर दे, और मुंसिफ को जब कह दीजिए तो वो भी गलत होगा। इसके मानी है काम का एक होना और चीज है, और लकब मिल जाना मनसब का नाम और चीज है। इसी तरह हिदायत करना नबी का भी काम है, हिदायत करना रसूल का भी काम है। मगर ये के काम सबका यह है, लेकिन फिर भी उधर से जिसको नबी बनाया वो उसका दर्जा, और जो उसको रसूल बनाया उसका दर्जा, और जिसको लेजेंड बनाया उसका दर्जा, और जिसे इमाम बनाया। और वो हमें मिलता है कि नबूवत आदम से शुरू हुई थी, और इमामत वो है कि जिसका आगाज इब्राहिम से हुआ है। यानी जब इतने दर्जे नबूवत और रिसालत ऊंची होगी तब पहला इमाम आया। फिर बात आ, तो जिन्होंने नहीं माना
वो बुरा नाम पटवा के इस मदरसे से निकल गए, और अब जिन्होंने इस मदरसे को माना इसके मायने ये है कि अब उनका निसाब तालीमी और ये बाबा, अब उन पर फकत उस 23 बरस की रसूल की जिंदगी के तालीमात की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अब पूरे दौरे अलवी के तालीमात की भी जिम्मेदारी, पूरे दौरे हसनी के तालीमात की भी जिम्मेदारी, पूरे दौरे हुसैनी के भी तालीमात की जिम्मेदारी। निसाब तालीम ऊंचा हुआ तो जब निसाब तालीम ऊंचा हुआ तो जैसे मुसलमानों को दूसरे उम्मतों के जायजा लेने का नुकता चीनी का हक नहीं था, उसी तरह अब इस गर्व को मुसलमानों के दूसरे फिरकों पर नुकता चीनी का हक रखेगा, उनके काल की नुकता चीनी का दुनिया को के। और फिर
ये बहुत जदीद तसव्वुर माना जाता है कि तालीम के दो तरीके हैं और एक तरीका पहले जो था वो उतना कारामद नहीं है जितना अब नया तरीका कारामद है। वो दो तरीके क्या हैं? एक अंग्रेजी रब ने आप भूल दी के बैठे तो एक बड़ा बगैर राह रास्ता ले और एक बड़ा है रास्ता ले। वो पुराना तरीका तालीम का वो कहते हैं बराह रास्त तालीम और वो इतना कारामद नहीं है कितना बगैर राह रास्त तालीम कारामद है। वो क्यों कर बराह रास्त तालीम और बगैर राह रास्त तालीम वो इलाज तो नहीं लेना है उस मदरसे तालीम का तो लेना है जो रूप सिखाना है वो याद कराना है बच्चों को शुरू कर दिए। अब मैं जिन रूप से जानता हूँ अभी बैठे से अपने याद करने लगे लिख के सिया पहनते रूप लिखो ये शरीर की स्मरण होने लगी इन रूप की। अब जो रूप जो लोग पढ़े तो वो रूप याद कराए ये तो है बड़ा हैरान तालीम कहते हैं इसमें तालिबे इल्म के दिमाग पर एक नाखुशगवार बार पड़ता है यानी वो एक बोझ महसूस करता है कि मुझे ये घटवाया जा रहा है मुझे ये तालीम दिलवाई जा रही बगैर राह रास्त तालीम। वो क्या है? वो ये है कि फल दिखाओ जिसमें वो हर पाते हो नाम में तस्वीरें दिखाओ उन तस्वीरों में वो नाम आते हो उन्हें ऐसे जिसमें वो नाम आते हो। अब तस्वीर से उन्हीं नामों के लिहाज से तस्वीरें उसने देखी हम नाम आते रहे वो समझेगा कि मेरी तफरी हो गई है और वो जिन्नी तौर से तालीम भी होती रहेगी। ये है बगैर रात तालीम। जब उस खिलौने का नाम आया जिसने के अलिफ है और वो नाम याद हुआ तो अलिफ याद हुआ। जब वो बे वाले नाम का खिलौना देखा उसका नाम याद हुआ तो बे से याद हो गई। इस तरह से वो हर कोया खेल खेल में याद होते हैं। यह है बगैर राह रास्त तालीम। मैं कहता हूँ कि खुदा और रसूल वो फितरत बशर से वाकिफ और तुम न होते इसलिए कि वो खालिक फितरत है तो हमें दुनिया समझती है ये नया इंकिशाफ है। मैं कहता हूँ ये दोनों तरीके खालिक फितरत को पहले से मालूम थे। वो जो कुरान को हाँ जाता था वो सी तालीम थी बराह रास्त तालीम और ये जो अहले बैत की सूरतें दिखाई जा रही हैं वो बड़ा हैरान तालीम का मरकज है।
और ये जो हमारे मजालिस हैं ये वो बगैर राहरास वाली तालीम का मतलब है। और बशर्ते के वही फायदा इससे उठाया जाए, वहां तालीम नमाज की दी जाए, मजलिस में आके हुसैन की नमाज बताई जाए। वहां तालीम इंसाफ की जाए, ज़कात की दी जाए, यहाँ आके हल्लता की तस्वीर में फलवा दीजिए बोला। जितने वही तालीम जो मदरसों में होगी उसी की तकमील यहाँ होगी, इन मजालिस में होगी। बहुदा मैं आपसे और हर साहिबे मिजाज से क्या अल्फाज कुरानी से नमाज की उतनी अहमियत समझने आई थी जितनी हजरत अली ने अभी तालीम के अमल से सिक्कीन में दोनों कदमों के दरमियान मुसल्ला बिछा दिया और नमाज को होने लगे। और इब्ने अब्बास ऐसा दलील कदर हाफिज है कुरान, मुफस्सिर है कुरान, कुतुब रिजाल ये इस्लाम में जमा इस्लाम हालात साहबा की किताबों में देखिए कुरान इनके अलकाब हैं, इतना जलील कदर और अली का तागिर और ऐसा तागिर जिसके राज भर तफसीर बिस्मिल्लाह बयान कर की जाए हर कसो नाकत को अली लाया नहीं समझ सकते। राज भर उससे ये बिस्मिल्लाह की तफसीर बयान फरमाए और मालूम होता है कि मुअल्लिम के फैज की इंतहा हुई और ना तालिबे इल्म की सलाहियत खत्म हुई। और अली का एक फितरा इन दोनों बातों की दलील है कि अपने बात लो जादन ले ले जितना अरे क्या करें रात खत्म हो गई, अरे रात कुछ और मौका देती तो और हो गया। मगर अली का मुसल्ला जो दिखता है तो वो दीवाना करता अंदाज ऐसा है जैसे मोहब्बत आना गुस्सा हो बिल्कुल ये जवान हाथ उनके ठेकेदार भाई भी तो थे तो जनाब उस अंदाज में कहने लगे ये मौका है ये जगह नमाज पढ़ने की जैसे कोई चाहने वाला बहुत ही खुलूस के साथ उठता है ये जगह नमाज पढ़ने की है। और अली क्या जवाब देते कि इसी नमाज के लिए तो हमने जिहाद करा। मैं भी जलालत कदर इब्ने अब्बास की अर्ज कर चुका मगर क्या बताऊं मुर्सलीन में खालिद ने कहा कि फजल ना बार नफर तो और बगैर नफरबा नफूस ने भी अगर दर्जे हैं तो जनाब इब्ने अब्बास अमल ईमान सामने है और फिर भी हैरत से सवाल कर रहे हैं। और अब क्या बताऊं अभी सुनामे साहिबी है
बल्कि हुसैन के अशारे से नहीं है, जैसे अली बिन उदाहर है, जैसे मुस्लिम में होता है उतनी नुमाया को खुदा के कसम करवाया, अगर न होती तो इनका नाम भी हमें न मालूम। ये अलू जुमान है शायरी, और उनका उनकी कोशिश क्या है कि जंगल इतनी तरह का जंगल करवाला, वहां भी अकलियत और कसरियत का मुकाबला था मगर हजारों की तादाद का फर्क था। यानी इधर मसलन 10,000 है, उधर 20,000 है, हजारों में फिर गिनती में फर्क था। लेकिन करवाला यहाँ एक तरफ 72 और एक तरफ 30,000 और उनका मामला, और उस आलम में फिर अगर कोई बात उलझन की रहे तो साहिबान इनसे पूछ लीजिएगा जो माशाल्लाह मौजूद है। एक तमाम नमाजों में सबसे ज्यादा मुश्किल जमात वक्त जोर की है, इसलिए कि तमाम नमाजें वो के एहसास से मुताल्लिक हैं। तो पहले सही वो भी आंखों से देखने का, वो मगरिब के लिए सूरज का डूबना हो या फिकल होना, सिफा के खिलाफ से बैठनी है, लेकिन दोनों चीजें आंखों से देखने की। मगर जोहर की नमाज पत्ते निस्कुल नहार, उसका मैयार ये कोई आसमान पर लकीर है जो खींची हुई है, वो पत्ते महूम है। और माशाल्लाह रियाजी के तालीम भी होंगे कि याद रखिए कि खत तूल में तकसीम होता है, अर्ज में तकसीम नहीं होता, उसी का नाम खत है। इसके मानी ये है कि दूसरे वाले मुंतसिम है, और वक्त महूम आसमान पर जिससे आसमान के दो टुकड़े हो जाते हैं एक इधर और उधर, बस उस खत के इधर जब तक आसार है जवाब नहीं हुआ, और इधर उस खत के उधर पहुंचा और जवाब हो गया। इतना नाजुक मामला के मासूम से पूछा कि दखल वक्त जोहर जोहर का वक्त आ गया, हजरत ने फरमाया ला नहीं नहीं हाँ। जिस वक्त मैंने ला कहा नहीं आया था, जब जितनी देर में ला कहा आ गया तो मैंने नाम कह दिया। अब नजाकत किस वक्त की आप समझ सकते हैं, और मुझे तो लोगत में यही लफ्जे मिलती है, मुहावरे में यही लफ्जे मिलती है कि अब एक गैर मासूम की निगाह की इसमत देखे। अबू सुमामा की कोशिश यह है कि मौला कहने न पाए, ये जुमला अब्दुल कह चुका हूँ, कहने न पाए और हम अपने दौरे इबादत का नजराना पेश करें। ये कोशिश है कि कहने पाए नहीं, लिहाजा जिहाद कर रहे हो नजर आफ्ताब पर, और बस इधर जवाल हुआ और उधर हाथ बांधे हुए सामने आ गए। तो हजूर तमन्ना है कि ये नमाज आपके साथ तो जमात अदा हो जाए। माशाल्लाह साहिबान फहम है। मैं कहता हूँ कि ये बहुत वाजिब का शौक नहीं है, मुस्तहब का शौक है, इरादा तो किसी सूरत से हो जाती। कहते तमन्ना है कि ये नमाज आपके साथ बजमात अदा हो जाए। हमारे यहाँ जो नमाजी भी हैं वो मोहल्ले में जमात होती जाते, हमारी जमात में खाक होती है, लोग अपने घरों में राजा नमाज पढ़ लेते हैं, अगर अलहम्दुलिल्लाह नमाजी हैं तो जनाब वहां जमात का ये दौर है। ये कहते हैं कि मौला तमन्ना है कि आपके साथ जमात कर जाओ, और अगर इमाम फरमा दे कि अरे इस वक्त तुम मसलों के जिहाद हो, मगर इमाम ने माला हिम्मत की कमी नहीं थी उनके डॉक्टर का,
उसके दुआएं देने लगे। फरमाते हैं जगत पला जाहिर अल्लाह हो मैंने मुसल्ली ने जाके नहीं, अरे तुमने खुद से नमाज को याद किया, अल्लाह तुम्हारा तुम्हार नमाजियों में कर ले। हाँ नाम हाजा ये क्या रहेंगे तो जिस वक्त तुमने कहा तो हाजा बल वक्त यदि उसका अव्वल वक्त और इसी से ये सवाल खत्म है अगर किसी के जहन में पैदा हो कि मौला ने हुक्म क्यों नहीं दिया था। जब तक अबू सुमामा ने कहा उस वक्त तक तो वक्त ही नहीं आया तो अल्लाह हुक्म क्यों दे। जिस वक्त आया फौरन अबू सुमामा ने अर्ज किया इमाम फरमाते हैं से बोली देती है जन रोक ली नमाज पढ़ो उस दिन नमाज जोर जोर तस्वीर से अर्ज कर चुका हूँ मगर ये पहलू उस दिन ही अर्ज किए थे कि ये आखिर मौला ने क्यों कहा कि इनसे कहो जन रोक ली। मुझे मालूम है कि शरीयत इस्लाम में हर वक्त के लिए तरकी में नमाज मौजूद है, नमाज पढ़ने के लिए जंग रुकने की जरूरत नहीं है, नमाज तो हर वक्त हो सकती है। मगर मेरा दिल ये कहता है कि अगर यहूद से मुकाबला होता तो इतवार जंग की दरखास्त नहीं है, अगर नसारा से मुकाबला होता मुनकिरीन खुदा से मुकाबला होता क्योंकि बदनसीबी से नाम आज मुसलमान था जंग की दरखास्त न थी ये उनके जमीर इस्लामी के बेजार करने की इम्कानी कोशिश। और दूसरी लफ्जों में कहूँ कि ये फरीदा इमामत जो अदा किया जा रहा था उनके का, मगर उन्होंने मोहलत नहीं दी नहीं थी तो फिर इमाम ने दिखला दिया कि देखो तो सही कि नमाज हो और बजमाज हो। किस तरह दो ताबियों को कई दिन अब्दुल्ला ने जो घर में लगाए उनको खड़ा कर दिया कि जो तीरा है अपने ऊपर रखो, इधर नमाज हो रही है उधर तीर खा जा रहे हैं माशाल्लाह पहले दिन भी है ऐसे ईमान भी है। मैं कहता हूँ कि क्या अबू सुमामा का दिल चाहता था इस नमाज जमात में शरीक होने को और इसका घर इब्न कैम और सही इब्न अब्दुल्ला का दिल नहीं चाहता था। तो जबी जबान से भी तो नहीं कहा मौला इन्हें हम इस जमात से शरीक ना मालूम है कि जिंदगी की आखिरी नमाज जमात है। मगर तो खुदा ये तो उस वक्त उजुर करते जब इनकी इबादत बरमिनार आदत होती जब हकीकते इबादत से वापस थे। हाँ यही थे असारियों के नहीं पकी हो किसी को हक नहीं ये समझने का जो उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। कौन कह सकता है कि जब तीर खाने को झुके तो रुकू नहीं कर लिया और जब सीधे हुए तो प्रयाण नहीं कर लिया और इमाम इशारे से उन्होंने सज्दे नहीं कर लिए उन्होंने नमाज यकीन पढ़ी लेकिन उस जमात में तो फिर नीचे बिकले। ये जुमलाकार जो दिन बिकाओ कि किसी आलिम किसी फकीर किसी मुज्तहिद को ये हिम्मत नहीं हो सकती कि वो ये तय करे कि उनकी नमाज अफजल है जो मौला के पीछे नमाज पढ़ रहे थे तो उनकी नमाज अफजल है जो मौला को नमाज पढ़वा रहे थे। ये तो जा रहा है मैं उसे इनको मुखातिब करके कहूंगा।
पूरा करवाना करके हर तरीके से इस्लाम के नाते मगर ये तो पुणिया है जो बिना टाए हुए हजार नमाज की अपनी सांस पर मौला अपने ऐसे जो जाबाजों को कुर्बान कर दे और उस नमाज को हम अपने अमल से पामाल कर दे तो मौला हमें अपने दोस्तों में और सही वजादारों में समझ सकते हैं तो जब तक इमाम ने सलाम नहीं फेरा सही जमीन पर नहीं फेरा उधर सही कामों से तू जमीन पर दे हिंदू का जीतने वफ़ाई को यार बात दिला तो मौला मैंने हाथे वफ़ा दार दिया इमाम ने बोला नान बकर का जेदार का लाव तेरा हाँ मैं बात कर दी अल्लाह तुमने जेदार से क्या करना है उसके बाद उस दिन तो आखिर कलाम में ऐसे की नमाज कर तस्किरा कर चुका मगर अब लाव वैसा है कि मुझे हैरत रही समझ में नहीं आ कि ऐसी ऐसी नमाजें जिन्होंने पढ़ी और ऐसे ऐसे सजदे जिन्होंने किए मगर और सब अल्काम है अमीरुल मोमिनीन का सजदा इसमें जरबत लगी हुसैन का ये सजदा जिसमें खंजर फिरा ऐसे ऐसे सजदे जिन्होंने किए मगर मुझे अमीरुल मोमिनीन के अवतार की दुनिया भी मालूम बकर मुताला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अवतार भी जो हैं जितने मुझे मालूम हैं तो अहले अदार उनके अवतार में भी सैयदुल अरब नजर आया इनके अवतार भी सैयदुल शुहदा है मगर सैयदुल साबिदीन हमारे चौथे इमाम किस हालत में बदल किए कैसे कैसे सजदे किए इनका लकब से हिंदुस्तान